बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, सबसे पहले वह है जनरल गैस इक्वेशन। फॉर्मूला आपके सामने है, P1V1 बराबर है P1V1 अपॉन T1, ये बराबर है P2V2 अपॉन T2 के। इससे पहले जो आपने इक्वेशन पढ़ी थी उसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, और इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, PV इज इक्वल्स टू NRT। तो जनरल गैस इक्वेशन बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्टेट से ही ड्राइव होती है, और ये इक्वेशन ऑफ स्टेट की टू स्टेट फॉर्म कहलाती है। यानी यहाँ पर आपने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की पहली स्टेट ली है, 1 1 1 का मतलब इनिशियल स्टेट है और 2 2 2 का मतलब फाइनल स्टेट है। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की इनिशियल और फाइनल स्टेट के दरमियान ये रिलेशन जनरल गैस इक्वेशन आपको बताती है। इक्वेशन ऑफ स्टेट की ये टू स्टेट फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स का भी तायुन किया जाता है, और उसमें आपको मोलर गैस कांस्टेंट आर की भी जरूरत पड़ती है, जबकि जनरल गैस इक्वेशन के अंदर आपके इस इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स और आर मोलर गैस कांस्टेंट ये नहीं होता। तो ये जनरल गैस इक्वेशन आपके सामने है, P1V1 अपॉन T1 बराबर है P2V2 अपॉन T2 के। इस बात का ख्याल रखना है कि ये टू स्टेट फॉर्म है, यानी यहाँ पे आपको जो प्रेशर दिए हुए हैं वो एक से ज्यादा है। कितने हैं जी, दो हैं। एक इनिशियल प्रेशर है, दूसरा फाइनल प्रेशर है, ठीक है जी। तो यानी ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। मैं टू स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, बोथ स्टेट्स का मतलब क्या है। इसी तरह ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है। इसी तरह ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है। तो यानी ये प्रेशर की दो स्टेट्स हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट। इसी तरह वॉल्यूम की दो स्टेट है, इनिशियल और फाइनल स्टेट। इसी तरह टेम्परेचर की दो स्टेट है, इनिशियल और फाइनल स्टेट। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर सबसे ज्यादा जो ख्याल रखना है आपको, वो इस बात का रखना है जी कि इन दोनों स्टेट्स की यूनिट सेम होनी चाहिए। सेम होना जरूरी है, यूनिट कुछ भी हो उससे न्यूमेरिकल पे फर्क नहीं पड़ेगा। कि आपने लिया जी के प्रेशर की एटमोसफेयर में ले लिया और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने प्रेशर को टॉर में ले लिया, वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इस बात का ख्याल रखना है जी कि अगर आपने प्रेशर किस में लिया है, पहला प्रेशर एटमॉस्फेयर में आप लिया है तो दूसरा प्रेशर भी एटमॉस्फेयर में ही होना चाहिए, ये लाजमी है। या अगर आपने वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लिया है तो दूसरा वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, ये लाजमी है। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि टेम्परेचर पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो टेम्परेचर तो आपने हर हाल में ही कन्वर्ट करना है, यानी अगर वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो आप पे लाजिम है कि आप उसे किस में कन्वर्ट करें, केल्विन में कन्वर्ट करें। तो दोनों स्टेट की इनिशियल और फाइनल स्टेट की यूनिट सेम होना मस्ट है, यूनिट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट एसटीपी कंडीशंस आप जानते हैं, क्योंकि इस न्यूमेरिकल के अंदर उमूमन जो इनिशियल या फाइनल स्टेट के बारे में सवाल होता है तो वो एसटीपी कंडीशंस दी हुई, एसटीपी कंडीशंस में मांग लिया होता है आपसे। उमूमन वो वॉल्यूम मांगते हैं आपसे एसटीपी पे, तो एसटीपी कंडीशन अब आपको याद हो जानी चाहिए। ये एसटीपी कंडीशंस क्या है देखते हैं जी। तो टेम्परेचर एसटीपी पे 273 केल्विन होता है, वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब लिया जाता है, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है। अगर आप टॉर में लेना चाहें तो उसको 760 टॉर लेंगे। तो ये इक्वेशन जनरल गैस इक्वेशन की जो रिलेशन है वो आपके सामने थी। आपने क्या सीखा कि दोनों स्टेट की यूनिट सेम होनी चाहिए, और एसटीपी पर आपने एक बार वैल्यूज को फिर रिवाइज किया। कन्वर्जन एक बार फिर देख लेते हैं जी कि अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 इसमें ऐड करते हैं। प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है तो वो 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर के बराबर होता है। तो अगर एटमॉस्फेयर से टॉर में जाना है तो एटमॉस्फेयर को 760 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपको टॉर से एटमॉस्फेयर में आना है तो आप 760 को 760 से डिवाइड कर दें, आपके पास 1 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। वॉल्यूम अगर डेसीमीटर क्यूब में दिया है तो मीटर क्यूब 0.0224 होता है, और सेंटीमीटर क्यूब 22400 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये वॉल्यूम की कन्वर्जन है कि यानी मीटर क्यूब में जाने के लिए आपको इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ कन्वर्जन आपके सामने थी, तो ये कन्वर्जन जरूरी है। प्रेशर की कन्वर्जन का ज्यादा ख्याल रखिएगा, खासतौर पर टेम्परेचर की कन्वर्जन का ख्याल रखिएगा। वॉल्यूम उमूमन इन न्यूमेरिकल्स के अंदर ज्यादातर आपको वॉल्यूम निकालने को कहते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ स्टेट जनरल गैस इक्वेशन का, और खास बात क्या है जी कि यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, इस न्यूमेरिकल को करने जाएंगे। लिखा है अ सर्टेन मास ऑफ नाइट्रोजन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 7
40 टॉर ऑक्युपाइज 12.345 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर आप इस न्यूमेरिकल में देखें तो लिखा हुआ है सर्टेन मास, मास का लफ्ज तो आ रहा है लेकिन मास की कोई वैल्यू नहीं दी हुई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मास की अहमियत नहीं है, जिस चीज की वैल्यू दी हुई है उन चीज की अहमियत है। तो आपने क्या देखा जी कि आपको टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है, प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है। आगे चलें तो आपने क्या देखा, कह रहे हैं जी कैलकुलेट द वॉल्यूम। अब जैसे ही आपको पता लगा कि एक वॉल्यूम दिया हुआ है और इसने दूसरा वॉल्यूम दे दिया तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये न्यूमेरिकल किसका है जी, जनरल गैस इक्वेशन का है। क्योंकि जनरल गैस इक्वेशन के अंदर एक तो तीन चीजों के दरमियान रिलेशन होता है, किन के दरमियान जी, प्रेशर के दरमियान, वॉल्यूम के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान। और दूसरी खास बात यह है कि दो स्टेट के दरमियान भी रिलेशन होता है। इन तीन चीजें दी गई हैं, इन तीनों चीजों में सेकंड स्टेट पे भी रिलेशन होता है। तो आपने क्या देखा, क्योंकि आपको सेकंड स्टेट का तस्करा हो गया, आपसे कह दिया कि कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी, यहां से आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है V1 और V2 दिया हुआ है, इसी तरह T1 T2 आपके पास है, P1 P2 आपके पास है। तो ये न्यूमेरिकल किसका बन जाएगा, जनरल गैस इक्वेशन का बन जाएगा। देखते हैं ये न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व होगा। एसटीपी की कंडीशंस आप एक बार फिर देख लें, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर ये इस्तेमाल करने हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे होगा। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसका डाटा बनाएंगे हम। टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डाटा बना रहे हैं इस न्यूमेरिकल का। हमने लिखा टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आगे चलें लिखा हुआ है 740 टॉर, और आप टॉर जानते हैं कि ये प्रेशर की यूनिट होती है, तो आपको प्रेशर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 740 टॉर। आगे चलें तो आपको वॉल्यूम का तस्करा है 12.345 डेसीमीटर क्यूब, ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। आपने लिखा वॉल्यूम कितना है जी, 12.345 डेसीमीटर क्यूब। अगर आप देखें तो अभी मैंने 1 नहीं लगाया, पहली स्टेट नहीं लगाई, क्योंकि अभी मैं सवाल को पढ़ रहा हूँ और डाटा बनाता जा रहा हूँ। आपको भी यही चाहिए कि सवाल को पढ़ते जाएं और डाटा बनाते जाएं। अब आप आगे जरा देखिए तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो आपको फौरन लिखना चाहिए जी कि आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और अब क्योंकि ये वॉल्यूम आपके पास दूसरा हो गया, और ऊपर वाले तमाम क्या बन जाएंगे, ये 1 बन जाएंगे, यानी ऊपर वाली जितनी भी दी हुई है वो आपकी इनिशियल स्टेट हो गई और आप फाइनल स्टेट शुरू हो जाएंगी। तो वॉल्यूम आपको निकालना है, और किस पे वॉल्यूम निकालना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि वॉल्यूम निकालना है एस टी पी पे, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एट एस टी पी, और आप जानते हैं कि इस पर प्रेशर 2 कितना होता है। अब आपको देखिए 1 एटमॉस्फेयर अगर आप लिख देंगे तो बिला वजह आपको कन्वर्जन करनी पड़ जाएंगी। तो आप ये देखिए कि आपको पहला वाला प्रेशर कौन सी यूनिट में दिया है, टॉर में दिया हुआ है, तो आपको दूसरा प्रेशर यानी एसटीपी पे प्रेशर किस यूनिट में लिखना चाहिए, टॉर में लिखना चाहिए। और टॉर के अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 760 होता है। तो आपने लिखा 760 टॉर, तो P2 आपका हो गया 760 टॉर। उसके बाद हमने क्या लिखना है जी, प्रेशर लिख सॉरी टेम्परेचर लिखना है। टेम्परेचर कितना होता है जी, ये होता है 273 केल्विन। अब आप सिर्फ इस बात का तयन कर लें जी कि आपकी दोनों यूनिट सेम है या नहीं। तो आपने क्या देखा कि प्रेशर आपका पहला वाला टॉर के अंदर है और दूसरा प्रेशर भी टॉर के अंदर है, ठीक है जी। टेम्परेचर आपने देखा कि जो दूसरा टेम्परेचर है वो केल्विन के अंदर है, पहला टेम्परेचर केल्विन के अंदर नहीं है, तो आप पे लाजिम है कि आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करें। आपने इसके अंदर 273 ऐड किया, जब आप 273 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 293 केल्विन। अब आपका दूसरा टेम्परेचर भी किस में हो गया, केल्विन में हो गया। आपका पहला वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है, दूसरा वॉल्यूम आपको निकालना है, तो ये ऑटोमेटिकली किस में आएगा, डेसीमीटर क्यूब में आएगा इसका जवाब, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास P1, V1, T1 आपके पास, ये आपके पास इनिशियल स्टेट है और इसी तरह ये आपके पास फाइनल स्टेट है। आप बहुत आराम से क्या लगा सकते हैं, जनरल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने क्या लिखा जी, हमने लिखा फाइंडिंग V2, जो हमसे पूछा है कौन सी रिलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम लिखना चाहिए। हमने लिखा यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन, और जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये फॉर्मूला है P1 V1 अपॉन T1,
और ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है पी टू वी टू अपॉन टी टू के। एहतियात से आप वैल्यूज पुट करें तो पी वन की वैल्यू कितनी है 740 टॉर, आपने लिखा 740। वी वन की वैल्यू कितनी है 12.345, आपने लिखा 12.345। डिवाइडेड बाय टी वन की वैल्यू कितनी है, ये है 293, आपने इसको 293 से डिवाइड करवाना है। उसके बाद आपने लिखा प्रेशर टू आपके पास कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है 760 टॉर। वी टू आपने क्या करना है जी, मालूम करना है। टी टू आपके पास कितना है 273। अब जब ये आप कर चुके तो अब आप वॉल्यूम को अकेले करें, ठीक है जी। तो वॉल्यूम अगर आप अकेले करेंगे तो देखिए ये 273 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और ये 760 यहाँ पे डिवाइड होगा। तो थोड़ा एहतियात से इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ताड़ने जा रहा हूँ। एज इट इज 740 मल्टीप्लाई बाय 12.345 डिवाइडेड बाय 293, ये मैंने एज इट इज कॉपी कर ली। और अब 273 को मैं ऊपर लेके चला गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 273 और डिवाइड किससे हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 760 से। आप इसको सॉल्व करें, ठीक है जी। तो न्यूमिरेटर की वैल्यू आप अलग लिखिएगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू आप अलग लिखिएगा। मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया है, जो जवाब मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 11.2 डेसीमीटर क्यूब।